पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K बे आख नो ताज शुमार हेत अस मेज़बान तुंदिस खदमतस अंदर हाजिर हर दो हर सुबह 8 बज पठे 9 बजन ताम वातनावान तुंद मन पसंद प्रोग्राम या जन नाव शु गुड मॉर्निंग J&K। यही वमेज तो यही आश आज थे जो तु सारी ऐसी बखैर आफियत बस सेहत व सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। नाज़रीन मोहतरम, यथ दुनिया अंदर यह सोरी कह वनस मौजूद यह सोरी मौजज़ तो यह मौजज़ यथ ननस मन हना वक् लगान बाजे यम सात इंसान ना कह मामूली बजगर तमाश वान तो यकायक वान कि पजरन ब्रोह कन सोरी कह बदलान अमिश यकीन यहां कि यह कथ सप्यो ये बदलो ये अचानक बदलो तो कथ बदलो तो अचानक अम सर जन जज्बात मुख्तलिफ कस्म जज्बात तम मुख्तलिफ कस्म जज्बात वतलान यानी मिक्सड इमोशंस तो अमिश सोचन वक् मिलान कह तो यह इंसान यम सात यह गौर विक्र कर अत चीज सन कि यह सोरी कह मे अंद पक वस मौजूद यह कथ बदलान यह कथ मौजज़ अमिस अंदर यकीन नी अ ठहराव अमिस अंदर उस जन सब्रुक दामन सह ग वसी वक्त कदर लब यह इंसान अगर यह गौर विक्र कर अगर यह सोच तो बे नाजिन मोहतरम यम सात इंसान ना बोल ववान जमीन क्या यह जल्दी यकायक कुल बनान ना अत वक् लगान तो यह इंसान अगर यह सोच कि जन यह गैप इन बिटवीन यह टाइम पीरियड इन बिटवीन गोड बोल पत कुल बनान तम पत फल दिवान यह सोरी कह इंसान सद खर यह लॉकट गैप इंसान सद खर इम्तहान तो यह इम्तहान नाजिन मोहतरम यह इंसानस सबर हेचनावान तो सबर यह जिंदगी हुंद बोड़ बार मकसद इसे कथ प्रोग्राम किस आगाज़ मज तो ब्रोह त प्रोग्राम मई कथ थो जारी मगर अजक प्रोग्राम मज शरफ मेज़बानी अस हासिल बह रोज तुज मेज़बान इकर आखून तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक, शुक्र खुदा का। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में एक बार फिर से करते हैं नाजरीन। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। हमारी यही दुआ हर दिन की तरह कि आप खुश रहे, सही सलामत रहे जिंदगी में और बहुत सारी तरक्की करें। वैसे इकरा आप अभी वजह फरमा रही थी कि हम सब की जो जिंदगी है एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। और हमारा जो नजरिया है चीजों की तरफ देखने का, जिंदगी की तरफ देखने का, वो मुख्तलिफ है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सही बात जी। और अमूमन ऐसा देखा जाता है जब एक इंसान किसी एक हालत में होता है, उसकी एक हालत होती है, सिचुएशन होती है, पाचा बाकी वन या पाने सोचा कि वो किस जिंदगी दुनिया की जिंदगी। बिल्कुल सही। और हर एक हालत में हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। वो एज अ मुस्लिम हमारा यही मानना है कि लाइफ इज जस्ट अ टेस्ट, जिंदगी महज एक इम्तिहान है। हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम दूसरों को खुश रखें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए द वे दे आर, हमें उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खैर नाजरीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे देश के बहुत ही बड़े और आला
गुलूकार प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी है या में वफात है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 36,000 से ज़्यादा गाने गाए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। खैर, ये तो हुई आज दिन के हवाले से बात। अब आप जानते हैं कि हम मौसम और शहराओं के हवाले से भी जानकारी नाजरीन आप तक पहुंचाते हैं। आगाज में ही आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का मौसम खुश्की रहेगा। वही अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 29 और मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को। और शहराओं के हवाले से अपडेट्स आज हमें इकरा दे रही है। हाँ ठीक है, शहराओं के हवाले से नाज़रीन मोहतरम हम आप तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं, इसका आपको इंतज़ार होता है। तो सुनिएगा, आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। वही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें नवयुग टनल से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। इसी तरह से मुगल रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी, यानी पुंछ से शुपया और शुपया से पुंछ दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। इसी तरह से एसएसजी के हवाले से भी हम आप तक जरूरी मालूमात पहुंचाते, अपडेट पहुंचाते, तो वहां से अपडेट ये है कि आज छोटी बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल और करगिल से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत है। ताहम हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफर बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता जरूर कायम करें। जी जी, हमेशा की तरह हमने आज भी नाज़रीन एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे का एहतमाम किया है मुनीर अहमद मीर साहब की आवाज में। चले देखते हैं, सुनते हैं आप और हम मिलकर ये नगमा। खुसराओ संसार रसन रसन न करा, रोज निकुसराओ संसार रसन रसन न करा, रोज निकुसराओ संसार रसन रसई न्यूनम करा। खशियल कोर नहीं इस्माइल सही साउल गो इजहार, हो खशियल कोर नहीं इस्माइल सही साउल गो इजहार, नर जंग गंज नहीं राजजाद सई रसनम करा, नर जंग गंज नहीं राजजाद सई रसनम करा, रोजन कुसरा संसार सई रसन्यूनम करा। पथ शम हसे सारा परवर दिगा, पोप गथ कर
पथ शम हसे छारा परवर दिगार दीदार जुतनस पठ अर्श सई रसई न्यूनम करार दीदार जुतनस पठ अर्श सई रसई न्यूनम करार रोजन कुस आव संसार से रसई न्यूनम वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के. नाजरीन, आप जानते हैं कि आज 31 जुलाई की तारीख है. आज टैक्स पे करने की आखिरी डेट है और अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं पे किया है सो प्लीज़ डू इट टुडे. बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन. और आज इसी हवाले से हम आज के मेहमान से बात करेंगे. फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. जी, टेक्निकल एरर की वजह से मेरे ख्याल से अभी ब्रेक पर हम नहीं जा सकते. लेकिन हमारा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टैक्स पे करने का आज आखिरी दिन है, बिल्कुल आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है. और इस हवाले से हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग आईटीआर आज ही करें, क्योंकि आज तो लास्ट डे हमें याद नहीं रहता है ना, मतलब पूरे साल कि हमें इसको फाइल भी करना है. तो आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है. नाज़रीन मोहतरम, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में कौन मेहमान तशरीफ फरमा है, उनसे हम आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे.
आप देखते हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के और ये छोटा सा वक्फा। खांदर वोत कलस पेट मे वंत वंत गई ना तैयारी तैयारी गसे सरी पाने तू न हसुन समझई नी सोन जादात कत अनव यपर छ हॉलमार्क उक तफरीक सन कोरी परावन सिर्फ त सिर्फ एजाज ज्वेलर्स निश अनमितस सोन त जादात सत यूस कशीर हदन महरीनन हंस शूब छ बढ़ावान एजाज ज्वेलर्स जीआर शॉपिंग सेंटर कत कदल नालेमा रोड श्रीनगर। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। हम जानते हैं कि प्रोग्राम के इस हिस्से का आपको भी इंतज़ार रहता है, वो इसलिए क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराते हैं नए मेहमान शख्सियत से। और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में एक मेहमान शख्सियत है। कौन है वो, उनका ताल्लुक किस इलाके से है, किस महकमे के साथ वाबस्ता है, वो सब हम आप तक पहुँचाएंगे इस हवाले से डिटेल। लेकिन इससे कबल हम नाज़रीन मोहतरम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे, जब हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, हम चाहते हैं ना कि वो एरिया डेवलप होना चाहिए, ये एरिया डेवलप होना चाहिए, तो उस एरिया को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा हाथ रहता है एक महकमे का, वो है स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट। क्योंकि जब तक लोग टैक्स पे करेंगे नहीं, तब तक डेवलपमेंट कहीं पर भी देखना वो मुमकिन नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों का डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसे लोगों का ही ताउन हासिल रहता है, तब जाके ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाता है। इसी डिपार्टमेंट के हमारे साथ सरबराह है एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर, शकील मकबूल साहब। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल हम करते हैं तहे दिल से। शुक्रिया। कई सारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे गालिबन ये सोच रहे होंगे कि ये डिपार्टमेंट यकीनन इसमें जो डिमांड रहती है वो ये रहती है कि संजीदा किस्म की पर्सनालिटी हो, लेकिन उन्हें आपकी शख्सियत का दूसरा पहलू नहीं मालूम कि अदब से आपको काफ़ी लगाव है, शायर व शायरी से शगफ रखते हैं और कभी जब मौका मिलता है तो वो भी लिख लेते हैं। आप इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आगाज़ में जो सवाल रहेगा वो ये कि जब हम शख्सियत के हवाले से बात करते हैं, शख्सियत को बनाने में कई सारे लोगों का हाथ रहता है, जैसे वालिदैन का रहता है, दोस्तों का रहता है, असातिज़ा का रहता है, बताइएगा आपकी शख्सियत को बनाने में किसका हाथ रहा, आगाज़ से सुनना चाहेंगे। आपने बजा फरमाया कि वालिदैन का हाथ रहता है, तो बिल्कुल 99% मेरे वालिदैन का ही हाथ रहा है, उसके बाद मेरे असातिज़ा का, दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनका, और दोस्तों का भी किसी हद तक, और पूरे माहौल का, कश्मीर का। यकीनन। अच्छा, कई सारे लोग शायद आपको आज पहली मरतबा देख रहे हैं, बताइएगा उनके लिए कि किस इलाके से आपका ताल्लुक है और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। मेरा इलाका जो है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, खुशरू चाडूरा। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, और मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से हुई। उसके बाद वहाँ पे वाथोरा करके एक एरिया है जहाँ से मैंने 10th का और 12th का एग्ज़ाम वहीं से मैंने पढ़ा। प्राइवेट स्कूल? हाँ, प्राइवेट स्कूल। ओके। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। ओके। कंप्यूटर साइंस में NIT श्रीनगर से। तो ये मेरा मुख्तसर सा तालीम सफ़र था। जी, आप अभी अपने घर वालों के हवाले से बात कर रहे थे, हमें बताइएगा कि आपके घर पर आपके बचपन के वक्त कैसा माहौल था, तालीम को कितनी तरजीह दी जाती थी। मुझे लगता है कि ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि तालीम इज़ द वे फॉरवर्ड, और अगर लाइफ में अच्छा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी। तो पूरा फोकस था उस ज़माने में तालीम पे, इतना फोकस था कि बच्चों को खेल कूद से भी मना करते थे। ओके। खेलने जाते तो पेरेंट्स रोक देते थे, क्योंकि वो जो हिंदी मुहावरा भी है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो जहन में बैठ गया था लोगों के। अब वो थोड़ा सा कम हुआ है, अब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझ में आई है, पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में। बट ये है कि पूरा तालीम की तरफ जोर था। कंप्यूटर साइंस का आपने इंतखाब किया था, और जाहिर है इस वक्त आप बतौर एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, ये सफर कैसा रहा कंप्यूटर साइंस से यहाँ तक? कंप्यूटर साइंस में जब मैंने BTech कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 2-2.5 साल उस फील्ड में भी काम किया। मैं प्रोग्रामिंग ऑफिसर था ONGC में, उसके बाद मैंने एज ए लेक्चरर भी काम किया कंप्यूटर साइंस के, और
इसके बाद जब मैं सिविल सर्विसेज में आया तो दिस बैकग्राउंड हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज आज की डेट में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गवर्नेंस का, इन एवरी डिपार्टमेंट थिंग्स हैव बीन मेड ऑनलाइन. ई गवर्नेंस का कंसेप्ट हर जगह है. इवन इन द स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट एवरीथिंग इज ऑनलाइन. द कंसेप्ट ऑफ फेसलेस इज देयर. तो द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज हेल्प मी अ लॉट इन माय करियर एक्चुअली. अच्छा, हमें ये बताइएगा, जाहिर है आपने इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, किस सन में क्वालिफाई किया? 2014. अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर एक शख्स का एक इंटरेस्ट होता है. जैसे आपने जाहिर है अगर बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया है तो ये साफ जाहिर होता है इससे कि आपका इंटरेस्ट इसमें था, या मुमकिन है हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जब आपने सोचा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है, पहले आपने सोचा कि बैचलर्स करना है, ये पहले से ही आपने खाका बना लिया था जहन में? नहीं, ऐसा नहीं था. जब मैं कॉलेज में था तो आई हैड मेनी ऑप्शंस. जैसे मैं कॉलेज से निकला तो देन आई इवेल्यूएटेड, तो फिर मुझे लगा यूपीएससी एग्जाम के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मुझे लगा वुड बी द राइट वे फॉरवर्ड. कौन से सर आपने क्वालिफाई किया? पहले अटेम्प्ट. ओके. तो आई हैड एट द टाइम थॉट अबाउट ज्वाइनिंग प्राइवेट सेक्टर. कंप्यूटर साइंस में था, प्रोग्रामिंग करता था. आई ऑल्सो थॉट अबाउट डूइंग एमबीए कैट करने का. इवेंचुअली आई फेल्ट दैट दिस इज द वे फॉरवर्ड. ओके. तो आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे यहाँ कर. अच्छा, ये सफ़र जो है, आपने तो कहा पहले अटेम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जाहिर है वो जो आपने इसके लिए मेहनत की है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड रहा होगा वो इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना, जिस तरह से आपने कहा कि पहली अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया. क्या क्या देखा आपने सफ़र में? एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन का सफ़र था दो तीन साल ही रहा, बट मुझे पहले से इंटरेस्ट था जो सब्जेक्ट्स हैं जी, अदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जनरल नॉलेज. अच्छा. मैं स्कूल से ही मतलब वो जनरल नॉलेज वाला बच्चा था, एंड मुझे जनरली भी इकोनॉमिक्स इस सब में अच्छा खासा इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान ही रहा उस वजह. आपने सेल्फ स्टडी की या इसके लिए कोई खुसूसन यू नो कोचिंग ली? मैंने लार्जली सेल्फ स्टडी. अच्छा. आजकल हम देखते हैं ना, इस हवाले से रुझान काफ़ी बढ़ गया है. हम चाहते हैं कि मतलब जो बच्चे हैं, जो नई पौध है, वो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की ओर आए, और उनकी ज़ाती ख्वाहिश भी होती है, वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की ओर हम आएँ. लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि कोचिंग ज़्यादा होती है, हालांकि हमारे पास आजकल हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास इंटरनेट है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, सही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं वो वहाँ की ओर रुख करते हैं. कई सारे इस वक्त जो नाजरीन है उनमें ऐसा यंग बर्डिंग टैलेंट जो इस वक्त देख रहा है, वो सोच रहे होंगे कि हम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ओर ही आए, कॉम्पिटेटिव सर्विसेज की ओर ही, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ओर आए. हमें बताइएगा उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, या उनके लिए कुछ ऐसी बातें जो उन्हें जहन में रखनी चाहिए? आपने कोचिंग की बात की, तो आजकल बहुत सारे चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड. अब तो गवर्नमेंट का काम भी बहुत सारा ऑनलाइन हो गया, इसी तरह क्लासरूम्स भी अब ऑनलाइन हो गए हैं. तो कोचिंग के दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक तो सब्जेक्ट को समझना, वो जैसे आपने बजा फरमाया कि यूट्यूब से भी समझ सकते हैं या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके भी समझ सकते हैं. दूसरा एस्पेक्ट रहता है एक वो माहौल जो वहाँ पे क्रिएट होता है जी, आपके ऊपर जो पीयर प्रेशर आता है, एक रूटीन बनता है, वो बेनिफिट रहता है कोचिंग से. बट कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड हैं, मोटिवेटेड इनफ हैं, आप अपना रूटीन रख सकते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, यू कैन डू इट इवन विदाउट कोचिंग. बाकी सब कुछ आजकल एट वन क्लिक अवेलेबल है, गूगल कर लें. और मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, गूगल का, चैट जीपीटी का, जितना हमें करना चाहिए. कोई भी आपको सवाल हो आप गूगल में डालिए, यू विल फाइंड एन आंसर टू इट. तो आई वुड टेल देम कि यूज़ इट मोर रादर देन लेस, एंड रादर देन द ट्रेडिशनल जो हम एक इनर्शिया रहता है कि चलो अब ये चीज़ मैंने पढ़ ली कहीं पे या किसी से सुन ली गुफ्तगु में, मुझे इसका मतलब नहीं पता जी. तो एट टाइम्स हम सोचते हैं चलो रहने दो लेजीनेस में या इनर्शिया में. तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ हर एक को कि जो भी चीज़ आप पढ़ें, सुनें, कहें कहीं पे, अगर आपको ज़रा भी उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं पता, कंटेक्स्ट नहीं पता, मतलब नहीं पता, तो उसको गूगल में डालिए और अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए. सेल्फ स्टडी आपने की, खुद आपने कहा कि पहले अटेम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई किया और आपने खुद पढ़ा, इस तरह से कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन नहीं की. क्या मामूल रहता था आपका पूरा दिन, किस तरह से बैलेंस किया करते थे पढ़ाई Schedule. और बाकी रूटीन? मैं एक्चुअली जॉब करता था, तो जब मैं जॉब करता था तब मैं ना मैं मॉर्निंग में पढ़ता था और इवनिंग में पढ़ता था. उसके बाद
जब एग्ज़ाम पास आया तो मैंने लीव ली. ओके. तो लीव के दौरान मैंने 3 महीने का एक छोटा सा कोचिंग कोर्स भी किया है दिल्ली में. बट लार्जली किस हर एक इंसान का कोई प्रोडक्टिव टाइम रहता है. किसी का इवनिंग में रहता है, किसी का रात को रहता है, किसी का सुबह को रहता है. तो उस प्रोडक्टिव टाइम में पढ़ना इम्पोर्टेंट रहता है. हम बहुत इसमें पढ़ते हैं कि कितने घंटों हम पढ़ें. बट एक लिमिट के बाद वो घंटे जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके पढ़ाई में तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है. तो मेरा मानना यह है कि आप कम टाइम में पढ़ें बट बहुत इंटेंसिटी के साथ पढ़ें और उस टाइम में पढ़ें जब प्रोडक्टिविटी आपकी बेटर होगी. सर, इसके बरक्स हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी में आपका रोल मॉडल कौन रहा जिससे आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए होंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशा अल्लाह, यकीनन हम सब के रोल मॉडल हैं. अच्छा, हमें इसके अलावा बताइएगा 2014 से अब तक किस किस डिपार्टमेंट में आपकी तैनाती हुई, कौन कौन सा डिपार्टमेंट देख लिया? पहले तो ट्रेनिंग और प्रोबेशन का पीरियड था और प्रोबेशन के एंड पे ही मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में एक GST तभी आ रहा था तो एक पोर्टल बन रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्टल अर्पित करके. अच्छा. अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन पोर्टल फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो पहला मेरा पोस्टिंग उधर ही था. ओके. एंड देन आई वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट कंट्रोलर अकाउंट्स विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस व्हिच इज इनकम टैक्स. वाज पोस्टेड इन जम्मू फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. देन आई वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मैं PFMS एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट की, पेमेंट्स का, रिकंसिलिएशन का, अकाउंटिंग का और मल्टीफेरियस जो भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मैं उसका नोडल ऑफिसर था JNK के लिए और नॉर्थ इंडिया की दूसरी स्टेट्स के लिए. उसके बाद मैं स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में भी आया हूँ. दूसरा साल चल रहा है और यहाँ पर आप बस इतने एडिशनल कमिश्नर इस वक्त जी, बिल्कुल. हमें आपसे ये जानना चाहेंगे, जाहिर है आपका जो डिपार्टमेंट है एक अहम डिपार्टमेंट है, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट है और जिस तरह से मैं आगाज़ में कह रही थी कि गवर्नमेंट से ज़्यादा ऐसे लोगों का ताउन मिलना चाहिए तब जाके ये डिपार्टमेंट सही से काम कर पाएगा. डिपार्टमेंट इस हवाले से एक और व्यू हम चाहते हैं कि ताकि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाए क्या है ये डिपार्टमेंट. आपको मालूम है हमारी स्टेट का जो बजट है अराउंड 1 लाख करोड़ है जी. तो ये जो बजट है ये हम खर्चा करते हैं तो ये रिसीट कहाँ से आता है, क्योंकि जो खर्चा है वो कहीं से कमाई भी होनी है जी. तो इसमें बड़ा हिस्सा रहता है सेंट्रल ग्रांट्स का. जो टैक्सेस हैं हमारी कंट्री में वो लार्जली अपॉर्शन किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. ओके. और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनमें से 42% अराउंड स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को अपॉर्शन करती हैं. तो एक तो बड़ा हिस्सा उधर से आता है बट जो हमारे ओन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं यानी कि जो हम लोग एज JNK गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो है GST का. उसके अलावा स्टैम्प्स टैक्स है, मोटर स्प्रिट्स टैक्स है. तो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट इन टैक्सेस की वसूलियाबी का ख्याल रखता है. अच्छा. इसमें इस फील्ड में काम करता है जो स्टेट गवर्नमेंट खुद वसूल करती हैं, भले वो GST हो, स्टैम्प्स हो, MST हो. इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एडिशनल कमिश्नर जो है उसकी क्या रोल और फंक्शंस क्या होते हैं उसमें. तो मैं अभी कश्मीर डिवीजन में जो हमारा स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट है जी. उसका डिविजनल हेड हूँ जी. तो बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रिंग द होल डिपार्टमेंटल मशीनरी आई ऑल्सो लुक आफ्टर द एनफोर्समेंट पार्ट एंड द पॉलिसी पार्ट. ओके. तो इट्स लाइक वी हैव, हमने कश्मीर डिवीजन को 31 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है. हर सर्कल में एक स्टेट टैक्सेस ऑफिसर होता है. ओके. एंड देन वी हैव डिप्टी कमिश्नर्स जो एनफोर्समेंट यानी कि उन टैक्स पेयर्स जो फ्रॉड या मैलिफाइड इंटेंशन से टैक्स इवेड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं. तो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स हैं नॉर्थ के, साउथ के और सेंट्रल कश्मीर के. एंड देन रिकवरी के डिप्टी कमिश्नर हैं उन टैक्स पेयर्स जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड है उनसे ज़बरदस्ती वसूलियाबी के लिए. एंड देन आई लुक आफ्टर द होल मशीनरी फॉर द कश्मीर डिवीजन. सिमिलरली वी हैव अ जम्मू डिवीजन एडिशनल कमिश्नर स्टेट एंड देन वी हैव अ कमिश्नर स्टेट टैक्सेस हु लुक्स आफ्टर द होल JNK. इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे इस मखसूस डिपार्टमेंट के हवाले से भी और जब हम टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो मेरे ख्याल से कई सारे लोग डर जाते हैं पता नहीं क्यों ये नाम सुनकर कि टैक्स हमें भी भरना है, किस किस पर टैक्स आयद है उसको भी भरना है. तो इस तरह के कुछ सवालात रहते हैं हर एक के जहन में. तो इन सवालात के हवाले से ही हम आपसे बात करेंगे मजीद, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं, आपको भी एक ब्रेक मिलेगी, तब तक आप चाय नोश फरमाएं. नाज़रीन मोहतरम, एक
मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं और अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचानी है। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर सलमान ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और सिदा की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब शकील मकबूल साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। इनसे मजीद और भी बातें होंगी लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, जम्मू एंड कश्मीर लीड्स इन मेजर डेवलपमेंट पैरामीटर्स अक्रॉस इंडिया। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास है नाजिम मोहतरम, और इस अखबार से भी यह खबर सुनिएगा। इतवार को भी शहरोगाम, अलम शरीफ और जुलजना के जुलूस बरामद, सबसे बड़ा जुलूस हसनाबाद से निकाला गया, बड़गाम, चारडोरा और कई दूसरे इलाकों में भी आजादारी के जुलूस। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, बहुत बड़ी तब्दीली की शुरुआत, 4000 से ज्यादा खवातीन बगैर महरम हज पर गई, वजीर आजम। जी, मेरे पास एक और रोजनामा है, मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इस अखबार से भी चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली ये, हंड्रेड्स ऑफ KPs विजिट मार्टन सन टेंपल इन अनंतनाग टू परफॉर्म पिंग दान, और एक सुर्खी इसी अखबार से, इंडिया रिकॉर्ड्स 52 फ्रेश केसेस ऑफ COVID-19। जी इकराम, मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, सूरज निकलेगा, बादल भी छा जाएंगे, गरज भी होगी और चमक भी, मौसमी सूरत हाल मुसलसल गैर यकीन, 3 अगस्त तक यही सूरत हाल रहने का इम्कान। जी, मौसम के हवाले से सुर्खी को शायराना अंदाज में हो गए नहीं। खैर नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में आज एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर है शकील मकबूल साहब, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इनसे। हमने जिस तरह से ब्रेक से कबल ही बात की थी टैक्स के हवाले से, और टैक्स पेयर्स वो तो गालिबन जानते होंगे कि हम टैक्स कहाँ कहाँ भरते हैं और किस किस पे ये आयद होता है। जनरल इंफॉर्मेशन एक आम जहन के लिए, ले मैंस लैंग्वेज में, हम चाहते हैं कि आप इसको लॉबरेट करें कि क्या है ये बेसिकली और किस किस को टैक्स भरना है। तो जो टैक्स है बेसिकली 2 किस्म का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस वही बंदा भरता है जिस पे लेवी होता है। अच्छा। इन द सेंस कि आपने कमाई की 2.5 लाख से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा, तो आप पे लेवी होता है, तो आप ही सरकार को देते हो, अपना रिटर्न आप ही भरते हो, आप ही का पैसा है, आप ही पे लेवी हुआ, आप ही नहीं, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक मंथ में या पूरे साल? नहीं नहीं, आपके पूरे साल का रहता है। जैसे उस इनकम टैक्स का स्लैब बना हुआ है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 1% रहेगा, 10 लाख से ज्यादा आपका जो इनकम रहेगा, डिफरेंट सोर्सेज इनकम, कुछ को एग्जम्पशन भी है जैसे एग्रीकल्चरल इनकम को। इसी तरह कॉरपोरेशन टैक्स रहता है, जैसे कंपनीज रहती हैं जो अपना कमाती हैं उनको जो। इसी तरह हम आपके यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़े डिफरेंट इस तरह से रहते हैं कि ये जो जिस पे लेवी होता है और जिससे लिया जाता है वो डिफरेंट है। इन द सेंस जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो मार्केट से, तो उसमें जो आप प्राइस पे करते हो उसमें टैक्स इनबिल्ट होता है। जैसे आप देखते भी होंगे आजकल बिल्स में लिखा रहता है 18% GST नीचे। सही। तो 100 रुपए की चीज आप जब 118 रुपए में खरीदते हो 18% GST, तो जो खरीदने वाला है पैसा वो देता है, लेकिन जो रिटर्न कर भरता है जिसपे लेवी होता है वो खरीदने वाला नहीं है, पैसा तो आपने दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टैक्स भरने की, इसका रिटर्न भरने की,
उस दुकानदार की होती है जिससे आप खरीदारी करते हो। तो यहाँ पे जिसका पैसा है और जिसने भरा, जिसने रिटर्न भरा और जिसने पैसा भरा, वो डिफरेंट है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस का तो आपकी कंप्लायंस इंडिविजुअल रहती है, सब लोग अपना रिटर्न भरते हैं जो थ्रेशोल्ड से बाहर हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कंप्लायंस है ये उस पे डिपेंड करता है जो बिजनेस में रहता है। अच्छा। और इसमें आप तो भाग नहीं सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ लोग इवेट भी कर लेते हैं या एग्जेम्पशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स वो चीज है जो हर कोई सिटीजन ऑफ द कंट्री पे करता है, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो लेज का पैकेट भी खरीदता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इनबिल्ट है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उस हिसाब से अगर कोई इवेड करता है तो वो ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी वो खरीदार से ले चुका होता है। तो जो बिजनेसमैन है उसके पास जो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा रहता है, इट्स ऑलरेडी ही हैज टेकन फ्रॉम समवन। अब उसका ये हक है, उसका ये फर्ज है कि वो इसको गवर्नमेंट को दे जो उसने इसी वजह से दूसरे से लिया हुआ है। बट अगर वो ना दे तो ये जो इवेजन है इट्स मोर सीरियस देन डायरेक्ट टैक्स इवेजन। सर हमें ये भी बताइएगा कि 31 जुलाई को ही क्यों फिक्स किया गया है ड्यू डेट के लिए, और इन केस अगर कोई इंसान नहीं दे पाया अभी तक टैक्स, उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज होगी? आपका फाइनेंशियल ईयर जो रहता है जी वो आपका मार्च टू अप्रैल रहता है, ठीक है, और उसके बाद भी दूसरी चीजें होती हैं, जैसे अप्रैल का आप फिर हिसाब लगाते रहें, और फिर 2 महीने इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको सफिशिएंट टाइम रहे रिटर्न भरने का। कॉन्सिक्वेंसेस पता ही हैं सबको, अगर आप अपने टैक्स नहीं भरेंगे तो उसके बाद भी विंडो रहती है, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेनल्टी लगता है जी जी। उसके बाद और एक विंडो रहती है उसमें और ज़्यादा पेनल्टी लगता है। इवेंचुअली अगर आपके खिलाफ नोटिस इशू हो जाए तो फिर यू विल हैव टू पे अ स्ट्रॉन्गर पेनल्टी एंड इट कैन इवन गो टू द कोर्ट। तो देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली। सर आपने बात की कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से, हमें ये भी बताइएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स पेइंग? पहले आपको अच्छा लगता है जब आप टैक्स पे करते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फायदे तो कुछ होने चाहिए ना। नहीं नहीं मतलब एक सुकून सा मिलता है इंसान को जब वो टैक्स पे करता है। जोक्स अपार्ट, टैक्स पे करने से ही आपकी कंट्री चलती है। तो जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है, हमारे यहाँ इतना बड़ा वर्क फोर्स है, हमारा जो रेवेन्यू बजट है जेएन के गवर्नमेंट का 60,000 करोड़ है, तो दैट इंक्लूड्स हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, हमारे जो एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे रिटायर्ड हैं उनको पेंशन मिलती है, जो GPF मिलता है, इसके अलावा जो भी डेवलपमेंटल काम होते हैं आपके स्कूल्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, आपके रोड्स पे, जो भी आप जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट को खर्चा करते हुए देखते हैं, तो वो खर्चा जो है वो किसी रेवेन्यू से ही होता है। और अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट वो खर्चा नहीं कर पाएगी, हमारे यहाँ सैलरी नहीं मिल पाएगी, GPF नहीं मिल पाएगा लोगों को, जो कि अभी हमारा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है तो पीपल आर फीलिंग दैट पिंच। सो टैक्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ। तो कुछ वक्त कबल आपने आपके डिपार्टमेंट की जानिब से खुलासा किया गया था कि जो रेवेन्यू इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हुआ है कुछ चंद सालों से, और इसके अलावा भी हमने देखा कि GST वीक भी आपके डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्व किया, ज़रा इस हवाले से एलाबरेट करें कि क्या क्या रहा इसमें। तो जैसे मैं GST की पर्टिकुलरली अभी बात करता हूँ, हमारे यहाँ GST की जो ये डिप्लॉयमेंट हुई थी, जो ये रोल आउट हुआ था 2017 में हुआ था, उससे पहले वैट करके टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और हर स्टेट का अपना अपना टैक्स रिजीम था, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं स्पेशली वैट और सेल्स टैक्स ये स्टेट लिस्ट में है, तो ये लेवी भी स्टेट करता है और कंज्यूम भी स्टेट करता है। तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट रिजीम्स बनाई हुई थी, सो वी हैड मेनी मार्केट्स इन द कंट्री, जिसकी वजह से जो इंटर स्टेट ट्रेड होता था वो करना थोड़ा मुश्किल था, ईज ऑफ बिजनेस उसमें कम था, एंड देन वी हैड चेक पॉइंट्स इन ईच स्टेट। जैसे हमारा भी यहाँ लखनपुर में मेन टोल पोस्ट था, जो भी बाहर से आता था उस पर टोल लगता था। देन वी हैड दिस गोइंग ऑन फॉर मे बी 10-15 ईयर्स की एक GST सिस्टम लाया जाए, जिसमें ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स हैं, एक्साइज टैक्स हैं, ये सारा यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द कंट्री। तो सारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल बैठ के एक अमेंडमेंट लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक GST एक्ट पास हुआ, जिसमें एक GST काउंसिल बनाया गया, जिसमें सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, जहां डिसीजंस लिए जाते हैं कि अब इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो JNK में ये 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट द कंट्री 1 जुलाई से हुआ, यहाँ 5-6 दिन की देरी से, बट वी हैड दिस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट from 2017, and then initially
क्योंकि नया सिस्टम था, देर वर टीदिंग प्रॉब्लम्स, तो वैट से जो ट्रांजिशन हुआ था उसमें टैक्स हमारा थोड़ा कम भी हो गया, स्पेशली क्योंकि हमने टॉल हटा दिया। टॉल में हमें लगभग 1500 करोड़ का पर ईयर आता था, तो वो कम हो गया। बट इट वॉज एज्यूम्ड कि जीएसटी का जो सिस्टम है इससे बिजनेस को फ्लिप मिलेगा और इससे टैक्स जो कंप्लायंस है वो बढ़ेगी, टैक्स इवेजन मुश्किल होगा। तो पहले साल में हमारा अच्छा खासा ग्रोथ रहा, लेकिन देन वी हैड द कोविड लॉकडाउन, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम हुआ था एंड नेगेटिव में थे हम दो साल। बट देन जैसे ही कोविड खत्म हुआ देयर वॉज द बाउंस बैक इफेक्ट एंड 21-22 में जीएसटी ग्रू एट अ ह्यूज पेस, आई मीन इट वॉज 25-30%। एंड देन वो जो हमने सेटबैक लिया था कोविड लॉकडाउन से, that was overcome जी. And then since last year we have had a lot of success on that front, jo hamara already a base, we had a higher base now because we had overcome the low base and the negative growth in 21-22. Then from the last 8-9 months we have been consistently beating the national average in terms of cash growth. aisa samajh lijiye ki national average agar 10-11% hai, hamara april mein 44% था, देन मे में चलो 25-30% के अराउंड था, जून में अगेन वी वर 58% ओवर द लास्ट ईयर्स जून, एंड दिस मंथ एज वेल वी आर अराउंड 30%। तो वी आर नॉट जस्ट कंसिस्टेंटली बीटिंग द नेशनल एवरेज, वी आर बीटिंग इट बाय एज मच एज ट्वाइस एंड थ्राइस। तो दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस जो हमने लास्ट ईयर से लाई हैं। वी हैव ट्राइड टू मेक टैक्सेशन ए मोर पीपल फ्रेंडली एंड ए मोर less cumbersome exercise. We have tried to reach out to the taxpayers, convincing them. क्योंकि जैसे आपने कहा भी कि टैक्स से डर सा लगता है लोगों को, वो इसलिए भी लगता है कि लोगों को पता नहीं है, उनको समझ नहीं आता है, वी ऑलवेज फियर द अननोन, राइट? और जब उनको डर लगता है देन दे ट्राई टू आस्क पीपल हु आर नॉट वेरी नॉलेजेबल इन द मैटर एंड हु आर नॉट वेरी गुड इन देयर इंटेंशंस एट टाइम्स। तो कुछ नीम हकीमों से वो अपने अकाउंट्स भरवाते हैं, अपने रिटर्न्स भरवाते हैं, उस वजह से फिर कल को जब उनको नोटिस आती है फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो इस वजह से हमने देखा कि काफी टैक्स इवेजन हो रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर खुद तो ही डजंट वॉन्ट टू इवेड टैक्स, बट उसको सिस्टम नहीं पता है, तो उसका जो अकाउंटेंट बैठा है वो अपनी गेम चला रहा है। तो वी देन ट्राई टू रीच आउट टू द टैक्स पेयर, हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं एंड वी हैव के डिपार्टमेंट में ही है फैसिलिटेशन। हाँ, ठीक, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। हमने बिजनेस एसोसिएशंस को, ट्रेड बॉडीज को, इंडस्ट्री एसोसिएशंस को बार बार बुला के उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, उनको समझाया है कि आप आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, हमारे पास फैसिलिटेशन सेंटर है, आपको जो भी मसला है आप आइए। तो हमने एक वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू द टैक्स पेयर ताकि वो डर थोड़ा खत्म हो। एट द सेम टाइम हमने एनफोर्समेंट को भी स्ट्रेंथन किया है, सो देयर इज दिस कैरेट एंड स्टिक अप्रोच एंड वो एक साइड से इंसेंटिव भी होना चाहिए। देखिए, टैक्सेशन वो सिस्टम है, यहाँ पे अगर टैक्स पेयर को लगेगा कि अगर मैं इवेड करूंगा तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो फिर इवेड नहीं करेगा, लेकिन अगर वही टैक्स पेयर देखेगा कि फलां 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 इवेड कर रहे हैं और वो बच निकल रहे हैं, तो लाइकली है कि ये भी उस फलां 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 में शामिल हो जाएगा। और अगर वो फलां फलां देखेंगे कि फलां को इवेजन की वजह से नुकसान हो रहा है तो वो उस फलां 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 से बाहर आ जाएंगे। सो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम जहां हम एक साइड से जो गुड टैक्स पेयर है उनको रीच आउट करें, उनके लिए टैक्स कंप्लायंस बहुत इजी बनाए, कंबरसम ना रहे उनके लिए, उनको डर ना लगे, उनको कोई हरास ना करे, उनको बड़ा इजीली सारा उनके रिटर्न्स हो, अगर कोई बाय मिस्टेक भी चीज हो वो हमने बड़ा स्मूदन करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम वी हैव एंश्योर्ड कि जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और वी कैन क्रिएट एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट, सो दैट जो गुड टैक्स पेयर्स है दे फील कि इट्स बेटर टू रिमेन गुड एंड जो इवेडर्स है दे फील द पिंच ऑफ बींग। किस तरह की कार्रवाई होती है उन पर देयर आफ्टर? देखिए, जैसे कोई टैक्स इवेजन पकड़ा जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट द टैक्स ऑफिसर डिसाइड्स इज वेदर दिस इज डन बाय मैलिफाइड इंटेंशन और इट्स एन इनोसेंट मिस्टेक। इफ इट्स बाय इनोसेंस, आई मीन गलती से हो गया है, तो जितना उसने टैक्स
इवेड किया है उतना टैक्स उससे वापस लिया जाता है, बड़े लेमेंस लैंग्वेज में। और अब अगर ये मैलाफाइड है तो वो जो टैक्स है वो तो वापस लेती हैं, उसके अलावा उस पर पेनल्टी भी लगती है और पेनल्टी का ग्रेजुएटेड टाइम है, उसमें भी हम उनको मौका देते हैं। अगर हमने उनको नोटिस इश्यू करने से पहले ही उन्होंने भर दिया, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज का पेनल्टी लगा देते हैं। नोटिस इश्यू हो गया उसके एक महीने के बाद उनको एक, मान लीजिए पहले 15% हो गया, फिर 30% की पेनल्टी लगती है। उसके चार महीनों तक अगर वो अपना टैक्स पे ना करेंगे फिर 100% पेनल्टी लगती है। और फिर वो जाता है हमारी रिकवरी सेक्शन में, और रिकवरी सेक्शन के पास सारे पावर्स हैं कि वो उसको, उनके बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, उनके जो क्रेडिट लेजर रहते हैं उससे पैसा निकाल सकते हैं, और अगर उनसे कुछ ना बनाए तो फिर वो रेवेन्यू अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए। जी, आपने अभी सर जीएसटी एक्ट का भी जिक्र किया, हमें ये भी बताइएगा ये टैक्स सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी? टैक्स प्रॉपर्टी, जीएसटी टैक्स प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है, जीएसटी टैक्स सप्लाई पे लगता है। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ गुड्स एंड सर्विसेज की जब सप्लाई होती है कहीं पे भी जी, तो उस पे लगता है। ओके, अच्छा, चूंकि यम सात क्लास मैं आसान तम सात कह सब्जेक्ट तम सान खे जन बड़ आसान सान खे ना समझ तो कह सब्जेक्ट तम जन अस बसान पर्सन ज्यादा ड्राई तो ये समझने खुश एक्स्ट्रा टाइम जरूरत, तो मे बसान इस टॉपिक अत ख समझ खुश नाजरन मोहतरम एक्स्ट्रा टाइम जरूरत। फिलहाल नाजरन मोहतरम जन सेगमेंट तह तम वातान तो जन तुम्हें पसंद करा सो गो गुड मॉर्निंग एजुकेशन, तो गुड मॉर्निंग एजुकेशन वनकस तैयार सेगमेंट पेश कर डॉक्टर तारिक मरगो पलवच। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे कॉन्फिडेंस की आज। कॉन्फिडेंस ये वो चीज है कि अगर हमें कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो मैं कर सकता हूं, बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। अगर चाबी नहीं है तो वो ताला भी नहीं है, वो तो लोहे का फिर लोथड़ा है। हम कॉन्फिडेंस बच्चों में अक्सर क्या होता है, हमने मेहनत भी की है लेकिन रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम बहुत मेहनत करते हैं और क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाता है आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे बचपन में बच्चे ने, किसी ने, बेचारे ने ऐसे लिखा था बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और आप देखेंगे कि वो बच्चा जब वो लिख रहा था दूसरा दोस्त उसके पास आया कहा कि मैं आज नहीं आया था, उन्होंने क्या बोला है, हमें क्या क्लास वर्क मिला है, होमवर्क मिला है। वहां से उस बच्चे ने इसका भी ये उतार दिया अपनी कॉपी पे और प्रेजेंट किया, जब कंपटीशन में था तो इसका ऐसे वहां पे प्रेजेंट किया और इसको अवार्ड मिला। तो जो ये बच्चा था, ये बेचारा जिसने बड़ी मेहनत की थी वो ऐसे लिखने में, जिसने ये चोरी की थी उसको इनाम मिला, तो ये वाला बच्चा बड़ा परेशान, ऐसा होता रहता है। इवन यहां क्या कहते हैं आप देखिएगा, कभी कभी एक पीएचडी स्टूडेंट ने मुझे बोला क्या इस तरीके से, आप देखिए मतलब जो पेपर मैंने लिखा था बड़ी मेहनत से लिखा था वो उन्होंने अपने नाम से पब्लिश किया प्रोफेसर ने, या आप देखिए जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो जो पेपर्स या जो आप वो रिसर्च पेपर या बनाते हैं आप बड़ी मेहनत से बनाते हैं तो आपका कलीग हो सकता है कि आपसे वो चुरा के अपने नाम से वो आगे प्रेजेंट करे। प्लेजरिज्म किताबें भी आजकल छपती हैं एक के नाम से दूसरे के नाम से, इनके लिए तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं जब बच्चों के लिए, ये तो करप्ट प्रैक्टिस है। हम बता सकते हैं बेटा जो आप में है, यू आर यूनिक, गॉड हैज गिवन यू यूनिक पावर, इनसे बहुत आगे है वो। ये जो रिपोर्ट आपकी है, देखिए शहद की मक्खी को किसी ने पूछा कि देखो तुम इतनी मेहनत करती हो, सुबह से शाम तक लगी रहती हो, आपकी एफर्ट्स एनर्जी लगती है शहद बनाने में और जमा करते रहती हो, आपको कैसा लगता है जब एक इंसान उसका ढक्कन उठा के वो चुरा लेता है, तो तुम्हें तो बुरा लगता होगा। तो शहद की मक्खी ने कहा बिल्कुल लगता है, उस वक्त बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मेरी क्रिएशन को ले सकता है, मेरी क्रिएटिविटी को नहीं। कोई भी इंसान हमारे क्या स्टील कर सकता है, हमारी टेक्निक्स टैलेंट को नहीं ले सकता। वो टैलेंट हर किसी बच्चे में अलग अलग है, और मैं जब अक्सर देखता हूं, मैंने बोलूंगा हजारों लेकिन सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूं जिनको यही नहीं पता कि उनमें कोई टैलेंट है भी या नहीं है। वो क्यों किया जा सकता है हमें पता ही नहीं है, हम क्यों करते हैं, बच्चा क्यों पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। देखिए बच्चों को अगर ये चीज पर नर्चर बाय नेचर, मैं यही कहता हूं, मछली तैरने से नहीं थकती, परिंदा उड़ने से, हमें पता चले
बच्चे को, मैं वही बार बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आप राइट हैंड से लिखेंगे तो ऑप्टिमम लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन स्ट्रेस में आएंगे आप अगर आपको कहेंगे, कहा जाएगा लेफ्ट से लिखिए। तो जो राइट हैंडर को राइट हैंडर का काम करा दीजिए, ये कराया जा सकता है, सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, थ्रू ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब, जो कि आज बात कर रहे थे क्रिएटिविटी और टैलेंट के हवाले से। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं शकील मकबूल साहब, जो कि एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स कश्मीर से है। अच्छा शकील साहब, आपसे मजीद हम ये भी जानना चाहेंगे कि टैक्स पे करने का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ये डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है? मजीद ये भी बताइएगा कि टैक्स रेट क्या वेरी करती है इनकम टू इनकम, और इज इट सेम फॉर एवरीवन? जैसे आप एक कंसेप्ट रहता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जैसे सैलरी मिलती है तो जो DDO रहता है वो TDS कर देता है, यानी कि आपका जो टैक्स है वो सैलरी पहले ही काट देता है। अच्छा। और गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो सैलरीड लोगों के लिए ये रहता है। और यूजुअली उसके बाद जब वो रिटर्न भरते हैं तो एट दैट टाइम उनको यूजुअली टैक्स अलग से पे नहीं करना पड़ता, उनका TDS हो चुका होता है। हालांकि ऑप्शन अच्छा। रहता है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट, अगर आपके पास दूसरे इनकम्स भी हैं, मे बी यू आर नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, आपका साइड में किसी और सोर्स से भी इनकम आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस है जब आप रिटर्न भरेंगे आप यू कैन फाइल दैट ऑनलाइन एज वेल। दूसरा, जैसे आपने कहा, हाँ डिफरेंट स्लैब्स इसीलिए बनाई गई हैं, तो हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, विच मीन्स दैट जितना आप ऊपर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम उतना टैक्स रेट बढ़ ही जाता है। इट स्टार्ट्स विद 10%, फिर 20%, फिर 30%, ठीक है। तो इनकम वाइज आपका 2.5 से 5 लाख, फिर 5 से 10 लाख, फिर 10 लाख से ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट्स रहती हैं। इसी तरह जो GST है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें आपकी टैक्स रेट्स डिपेंड करती हैं किस चीज़ की आप खरीदारी कर रहे हैं या कौन सा सर्विस आप ले रहे हैं, तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। उतनी ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, हमारे पास 5% है, फिर 12%, 18% या 28% है। जैसे आप टोबैको वगैरह की बात करें तो इट्स कॉल्ड अ सिन गुड, तो इसका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। या इम्पोर्टेड गाड़ियों की बात करें तो 28%, टोबैको पे तो इनफैक्ट सेस भी लगता है। मोस्टली जैसे आपके फूड ग्रेन्स हैं या ऐसी डेली ज़रूरियात की चीज़ें हैं तो उनका टैक्स रेट 5% के करीब है, और फिर इसी तरह से कुछ चीज़ों का टैक्स रेट 12%, कुछ चीज़ों का टैक्स रेट 18%। तो इट वैरीज़। हाँ अच्छा, जब हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था तब मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो आपकी शख्सियत है इसका एक और पहलू ये है कि आपको अदब से खासा लगाव है, और आपको जब भी वक्त मिलता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं, बिलखसूस शायरी मजमू आपका है। मुमकिन इस वक्त अगर आपकी इस शायरी कलेक्शन में कुछ इनायत हो जाए? मैं तो बस शौकिया लिखता हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं इस मामले में, मतलब हर एक इंसान का कुछ शौक रहता है, रिक्रिएशनल तरीके से। मैं जैसे मेरा भी शौक है शायरी का और क्रिकेट का, तो क्रिकेट का भी है ना? हाँ बिल्कुल। तो चंद अशार अपनी एक ताज़ा गज़ल से सुना देता हूँ। एक गज़ल है मेरी, वो जो नाज था मुझे हाल पे, वो जो मुआमला था गुजर गया। वो जो नाज था मुझे हाल पे, वो जो मुआमला था गुजर गया। ये जो हर पहल है ये दर्द सा, वही जख्म है जो न बर सका। क्या बात। इसी का दूसरा शायर है, मेरे हम कदम मेरे हम सफ़र, मेरा हाल ऐसे बयान न कर। मेरे हम कदम मेरे हम सफ़र, मेरा हाल ऐसे बयान न कर। वो समझ न ले मेरी आरजू, जो गिरफ्त मुझ पे न कर सका। क्या बात है। इसी का एक और शायर सुना देता हूँ। है मेरी जुबां पे गिला नहीं, हाँ मगर नज़र में है तिश्नगी। है मेरी जुबां पे गिला नहीं, हाँ मगर नज़र में है तिश्नगी। वही ख्वाब है वही आरजू, जो न कह सका जो न कर सका। बहुत खूबसूरत। नाज़िम, कुछ आपने मेरे ख्याल से इस तरह का कोई खाका बना लिया था जहन में इनकी शख्सियत को देखकर? आपको अभी तक ये लगा होगा बातों से कि काफी संजीदा किस्म के इंसान है, शायद शायद इस तरह की कुछ एक्टिविटीज नहीं रहती होंगी, या जब फ्री टाइम होगा इनके पास तो शायद तब इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रहती होंगी। जैसे इन्होंने खुद कहा कि क्रिकेट ये खेलते हैं, तब क्रिकेट आप फ्री टाइम में खेलते हैं। इसके अलावा अच्छा, जब आपने कहा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन कभी जब मौका मिलता है तो लिख लेते हैं, जाहिर है इंटेंशनल तो नहीं है ना? मतलब शायरी के हवाले से, जब अदब के हवाले से हम बात करते हैं, इंटेंशनली तो कोई नहीं इस तरह से लिखता?
मतलब एक जौक होना चाहिए लिखने का, फिर आप खुद पे आई मीन व्हाट डू यू से व्हेन यू मीन इट्स नॉट इंटेंशनल. मुझे आपको ये समझ नहीं, इट्स लाइक जैसे फॉर इंस्टेंस इंसान के अंदर कुछ ऐसे हसासियत एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस इंसान के अंदर हो, जाहिर है वही कलम उठाए और वही लिखे. बिल्कुल, जब हम अदब के हवाले से बात करते हैं तो इस हवाले से मैं पूछ रही हूँ. बिल्कुल आपने सही कहा. और जब आप दो तरह के इसमें पहलू हैं, एक तो ये है कि किसी इंसान ने कोई ऐसा वाकया देखा और जिससे वो उसको तहरीक मिली और उसने कुछ लिख दिया या कुछ उसके जहन में बात आई है, जिसको आपने हसासियत का नाम दिया. एक ये भी चीज़ रहती है कि आप बहुत अरसे तक, बहुत वक्त तक बहुत ऐसे वाकयात देख चुके होते हैं और वो हसासियत आपके अंदर बहुत जमा हो चुकी होती है, फिर आपके यहाँ इंटेंशनल भी है. अगर आप चाहें तो लिखें और जब चाहें तो उन जज्बात को उभारें, उन ख्यालात को उभारें, उन यादों को ताज़ा करें और लिख दें, तो तब शायद आपके पास इंटेंशनल लिखने का भी वो ऑप्शन रहता है. तो इसके लिए क्या कोई खास मौसम है और मौसम से मुराद जो आप समझ लें? नहीं, मौसम तो कोई खास नहीं है, बट ये है कि थोड़ी धुंधली लाइट हो और थोड़ा अच्छा ठीक है. सुकून की भी बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप जहनी एतबार से फोकस होना नहीं, इट्स लाइक आप किस तरह की शायरी लिखना चाहते हैं. तो जैसे आप मैं यूजुअली जो शायरी लिखता हूँ इट इज मोर काइंड ऑफ यादों वाली शायरी. और तो मेरे लिए ज़हनी एतबार से ये है कि मैं उस चीज़ में चला जाऊँ जिस बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, तो वो जब ज़हनी कैफियत पैदा हो जाती है उस कैफियत में फिर इंसान लिख पाता है. सही कच्चे ना माना कि इंसान अंदर जज्बात या यूजन हसियत आसान जी तीस कालन साथ वो तो लगान तीस कालस हेक ना अख शायर या अख अदीब इत कलम तुलित कें अथ मुनसलिक ब्याख अख सवाल सो गोज तुम वो कि तुम लेखा माज मज ज़ाहिर से एतबार से आपके पास शायरी कलेक्शन तो होगी, कोई किताबी शक्ल दी है आपने? नहीं अभी तक नहीं. सोचा है? नहीं फिलहाल कोई इरादा नहीं. कोई इरादा नहीं है, आप नहीं चाहते कि पूरी तरह से आपको शायर डिक्लेयर किया जाए? नहीं, जैसे मैंने कहा ना मेरे लिए बड़ा शौकिया है ये, तो मैं इसको उस एतबार से अभी नहीं लेता हूँ कि मैं किताब लिखूँ फिर मैं जी. तो इट्स मोर काइंड ऑफ अ, मैं काफ़ी बार शायरी लिख के किसी को सुनाता भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए इट्स मोर लाइक ए कथारसिस, और ऐसा समझ लीजिए कि मेरा एक अपना मतलब इट्स एन एक्टिविटी दैट गिव्स मी काइंड ऑफ सोलेस. तो मैं कह सकती हूँ अपने लिए लिखता. हाँ, मैं मोस्टली मैं अपने लिए ही लिखता हूँ. जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका कोई अधूरा सपना या कोई गोल जो आप फ्यूचर में एकम्प्लिश करना चाहते होंगे, यू नो, अगर आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ अभी? नहीं, I'm sorry. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ है नहीं या आप शेयर नहीं करना? मैं शेयर नहीं करना. ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. अच्छा, हमारे पास प्रोग्राम में मुख्तसर वक्त बचा है, चंद ही लम्हात है हमारे पास, और हम चाहेंगे जो इस वक्त चाहे वालिदैन देख रहे हैं या नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए ऐसा पैगाम जाए कि मेरे ख्याल से जो एक जनरल पैगाम हो सब के लिए, हम सब के लिए. एक मैं शायरी पे ही मुझे चीज़ याद आई जी. हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है, जैसे शायरी है, क्रिकेट है, मेरी हॉबी है, तो मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इसमें करियर अपना उससे फोकस हटा देते हैं ऐसी चीज़ों से. न सिर्फ इन दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एंड बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, बट हमारा जो फोकस है वो सरकारी नौकरी पे रह गया है. सही है. और कुछ चंद एक प्रोफेशंस पे रह गया है, और वो जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है वो बहुत कम है हमारे यहाँ. जैसे शायरी ही ले लीजिए, शायरी में आपका जहन इस्तेमाल होता है, आपके जज्बात इस्तेमाल होते हैं, आपकी स्किल यूज होती है जी. इसी तरह प्रोग्रामिंग भी है. प्रोग्रामिंग इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, अ लॉट ऑफ स्किल, बट इट इज समथिंग जो बाकी सोसाइटीज, बाकी कम्युनिटीज, बाकी कल्चर्स आगे लेके चल रहे हैं. मेरे कुछ दोस्त हैं डिफरेंट कंट्रीज में जिनसे मेरी बात होती है. ओके. आजकल जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लोग सीख रहे हैं, काफ़ी कम उम्र के बच्चे भी, और फिर फ्रीलांसिंग करके, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके देयर इकॉनमीज आर ग्रोइंग अ लॉट. तो हमारे यहाँ वो बहुत जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत कम है उस हिसाब से. जो हम या तो हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे या कुछ डिफाइंड प्रोफेशंस है उस तरफ जाएंगे, उसके बाद हमें लगती है कि अब अपॉर्चुनिटीज मफकूद हो गई हैं. ऐसा नहीं है. आज की जैसे आपने इंटरनेट की भी बात की, और सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है, आपके पास एक फंक्शनल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए
और यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू प्रोग्राम. ये अगर और ये है हमारे पास दोनों चीजें. इसके बाद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि उस तरफ हम देख नहीं रहे, उस तरफ तहरीक नहीं है हम. क्योंकि प्रोग्रामिंग वो चीज़ है जो जिसके लिए कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं रही है. अब अगर आपको आती है तो आती है और फिर अब यू कैन सेल इट एनीवेयर. सीखना बहुत जरूरी है. हाँ, मतलब नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग, ऐसे ऑनलाइन आप मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो जो इंसान अब इंटरनेट की एज में घर बैठ के पैसे कमा सकता है, हमारी इकोनॉमी को भी बेटर कर सकता. तो मेरा यही मैसेज है. बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत मैसेज के लिए. कहीं ना कहीं जो हमारे नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं उनका जहन काफी मुंतशर रहता है, सोचते हैं वो भी हासिल कर लेंगे, ये भी हासिल कर लेंगे. मेरे ख्याल से वो अपनी जगह बजा है, लेकिन अगर किसी एक चीज पर फोकस किया जाए और उस पर तनदेही और मेहनत के साथ काम किया जाए तो इंसान जो है इंशाल्लाह उस सबको जरूर अचीव कर पाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आज तशरीफ आवर हुए आप और इतनी अच्छी मात आपने हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे. इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा और देखते रहिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के.